दस से 15 साल पहले ना जो हमारी इकोनॉमी थी वो कैश इकोनमीमी थी यानी कि 90 टू 95 परसेंट जो ट्रांजैक्शंस थे वो कैश में होते थे लेकिन यूपीआई के आने के बाद ये ना धीरे धीरे बदल रहा है इनफैक्ट पिछले चार पाँच साल में जो कैश कंपोनेंट है वो 95 परसेंट से कम होकर सेवेंटी परसेंट आ गया है और सरकार का बस चले तो अगले पांच साल में इस कंपोनेंट को वो थर्टी टू फोर्टी परसेंट कर देंगी क्योंकि तो कैश के साथ ना बड़े सारे इशूज हैं पहला कैश को बनाना और सर्कुलेट करना बड़ा महंगा पड़ता है सेकेंड कैश में करप्शन के चांसेस ने पिछले दो तीन साल में कैश लगाना शुरू कर दिया अब कुछ, में वो होता और कुछ में का नोटिस आ जाता है इनकम टैक्स का नोटिस आपको सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन में नहीं इनफैक्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन में भी आ सकता है जैसे कि यूपीआई क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा सो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे केसेस की बात करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे आपको इनकम टैक्स का नोटिस

कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए अगर आपके पास इसका प्रूफ नहीं होगा बिना प्रूफ के करोगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा और अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तो आपको इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी वो पेनल्टी कितनी होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी चलो मान लेते हैं आपके पास प्रूफ है आपकी सारी ट्रांजेक्शन का आपके ट्रांजेक्शन जेनुअन है बिल्कुल लेकिन उसके बाद भी आपको कैश विड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही है तो ऐसे केस में सरकार आपके टी लगाएगी अब वो टी कितना लगाएगी वो डिपेंड करता है आप अपनी टाइम पे आई भरते हो या नहीं

कैश किया एक साल में तो आपको 20 लाख से एक करोड़ यानी कि 80 लाख पे तो 2 परसेंट का टीडीएस देना पड़ेगा विच इक्वल टू 1.6 पॉइंट रुपीज एंड वन करोड़ से ज्यादा अमाउंट होगा 10 लाख इन दिस केस उस पे आपको सीधा 5 परसेंट का टीडीएस देना पड़ेगा विच इन दिस केस इज फिफ्टी थाउजेंड सो आपको टोटल टू लाख का टीडीएस देना पड़ेगा लेकिन अगर आप अपना आई रेगुलरली भरते हो तो आपको बीस हजार का टी देना पड़ेगा चलो यार ये भी मान लेते हैं कि आपने सोचा कि एक सेकेंड स लाख सौ ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे क्यों लेने फालतू पंगे लेकिन आपको बहुत दुख होगा कि ये जो लाख की लिमिट है उस पे भी सरकार ने काफी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है देखते हैं सारी रिस्ट्रिक्शन है क्या सबसे पहली बात आपकी जो सिंगल ट्रांजेक्शन है वो दो लाख से ज्यादा की हो ही नहीं सकती है अगर आपकी दो लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है तो इसके लिए प्रॉपर प्रूफ चाहिए होगा एंड अगर वही कैश ट्रांजेक्शन रियल एस्टेट में आप कर रहे हो तो उसकी जो लिमिट है वो बीस हजार रुपए है

लास्ट रिस्ट्रिक्शन है हमारी डोनेशन पे जहाँ हम सबको पता है बहुत सारा ब्लैक मनी चलता है सो so, अगर आपने डोनेशन में 2000 से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन करी है या कैश यूज करा है तो आपको वहां पर उसका टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है ये है सेविंग्स अकाउंट की जैसे कि हमने पहले बताया अब क्या उन लोगों का क्या जिन जो अपना बिजनेस करते हैं जो करंट अकाउंट यूज करते हैं उन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हैं क्या -क्या लिमिट्स एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं करंट अकाउंट के केस में एक साल में आप मैक्सिमम 50 लाख तक की कैश विदड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हो याद दिलाएंगे आपको की सेविंग्स अकाउंट में लिमिट थी दस लाख की अब यार बिजनेस है तो हर दिन का लेन देन भी चलता ही रहेगा इसमें भी लेकिन सरकार ने लिमिट लगाई है अगर आपकी

अब लास्ट हम बात करते हैं कि अगर आप अपना कैश यूज करते हो क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए तो उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस है या है या नहीं यार अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है एक लाख रुपए और अगर आप कैश से पेमेंट करते हो तो आपका जो बैंक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दे देगा बता देगा और अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल एनी anyway, जो टोटल बिल है वो एक साल में दस लाख का है तो ये इन्फॉर्मेशन एनी वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी चाहे आप उसकी पेमेंट कैश से करो नॉन कैश करो यूपीआई करो एक्सेट्रा ऑल्सो अगर आप म्यूचुअल फंड या एफ वगैरह में इन्वेस्ट करते हो कैश से तो आपकी साल की लिमिट है दस लाख इनफैक्ट अगर आपका जो एफडी का इंटरेस्ट अमाउंट है वो अगर एक अमाउंट से ज्यादा का होता है तो इसमें आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा यानी कि अगर आपको एक साल में एफडी इंटरेस्ट अमाउंट आपका 40000 से ज्यादा का है तो बैंक आपसे 10% का टीडीएस काटेगा सीनियर सिटीजंस के केस में ये लिमिट है

करोड़ों लोग हैं ऑटोमेटेड है? कौन है? कौन है है? so, हो गया ऑफिसर बैठकर मैन्युअली आपके ट्रांजैक्शन ही देखता की हाँ दस रुपए का खर्च करे बीस रुपए का खर्च करे वो सिस्टम में अपना हाईलाइट हो जाता है और अगर आपने कुछ गड़बड़ करी तो आपको जो डेटा है आठ साल तक वो डेटा सिस्टम में रहता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि जो इनकम टैक्स का नोटिस है वो आपके पास साठ से आठ साल बाद आए। तो जैसे कि आपने देखा हमने पूरी वीडियो में डिस्कस करा कि आपको कहाँ पे कितनी कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं ट्रांजैक्शंस पे इट्स बेटर कि आप इन सबको चेक में रखें इन सबको फॉलो करें इनकम टैक्स की चपेट से बचें, एंड टिल देन बी